दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं एक कलरफुल रिंग लाइट, जो कि आप अपने दिवाली पर कहीं पर भी इस रिंग लाइट का यूज़ कर सकते हैं। और इस रिंग लाइट को बनाने के लिए हमने एक डीसी मोटर का प्रयोग किया है और साथ ही साथ कुछ आरजीबी एलईडी लाइट का प्रयोग किया है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, हमने स्टेप बाई स्टेप सारी वीडियो में बताया है। तो देना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रिंकू पुंडी, के आर टेक माइंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिंग लाइट बनाने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार की एक डीसी मोटर की आवश्यकता होगी, जो कि आपको मार्केट में 10 से 15 रुपए में बड़ी आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगी। तो इसे हम 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट से आसानी से इसे चला सकते हैं। और इसके बाद हमें इस प्रकार की कुछ 5 mm की LED की आवश्यकता होगी, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। और ये RGB LED है, जो कि ये LED 3 कलर में ग्लो करती हैं। और इसके बाद हमें इस प्रकार की एक गियर पुली की आवश्यकता होगी, जैसा कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हमें इस प्रकार के एक वासल की आवश्यकता होगी। तो फटाफट से हम रिंग लाइट तैयार कर लेते हैं। तो सब सामान को अभी साइड में करते हैं और इसके बाद हम वासल को लेंगे और ये गियर पुली को लेंगे और गियर पुली को कुछ इस तरीके से वासल के नीचे लगा लेंगे। और जो इसके बीच में हॉल है गियर पुली के, तो वो वासल के बिल्कुल बीचों बीच में आना चाहिए कुछ इस तरीके से। और इसके बाद इसे हम फेविक्विक की मदद से चिपका लेंगे। तो कुछ इस तरीके से गियर पुली और वासल को एक दूसरे को बीच सेंटर में लगा के चिपका लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बाद हम इसे मोटर पे ऊपर की तरफ लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने गियर पुली और वासल को एक दूसरे में चिपकाने के बाद इस मोटर पे लगा लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम इन LED को एक एक करके इस वासल और इस बीच वाले हिस्से पे सोल्डिंग कर लेंगे। तो इन LED को किस तरीके से सोल्डिंग करना है वो हम बता देते हैं। तो आपको ये LED की जो छोटे वाली लेग दिखाई दे रही होगी, ये वाली लेग, ये नेगेटिव लेग होती है। और ये बड़ी वाली लेग दिखाई दे रही होगी, ये इस LED की पॉजिटिव लेग होती है। तो हमें जो नेगेटिव लेग है, ये वाली लेग को इस बीच वाले हिस्से पे मोटर के इस वाले हिस्से पे सोल्डिंग कर लेना है। और ये पॉजिटिव लेग दिखाई दे रही है आपको इस LED की, इस पॉजिटिव लेग को हमने इस वासल पे सोल्डिंग कर लेना है। तो फटाफट से सोल्डिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस वासल को स्क्रैच कर लेते हैं, जिससे इस पे आसानी से सोल्डिंग हो जाए ये LED। तो कुछ इस तरीके से हमने इस ब्लेड की मदद से इस वासल के दोनों तरफ स्क्रैच कर लिया, जिससे सोल्डिंग आयरन अच्छी तरीके से इस पे सोल्डिंग हो पाए। और स्क्रैच करने के बाद अब इन पे हम एक एक करके LED को लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इस LED की एक लेग को मोड़ लिया है, जो कि आपको पॉजिटिव वाली लेग दिखाई दे रही होगी। और इससे ये हुआ कि ये लेग आपस में टच नहीं करेंगी। तो इस LED को इस तरीके से सोल्डिंग करने के बाद हम दूसरी LED लेंगे और उस दूसरी LED को भी इसी तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे, यानी कि दूसरी LED की जो नेगेटिव लेग है उसको हम इस बीच वाले हिस्से पे सोल्डिंग कर लेंगे और पॉजिटिव लेग को इस वासल पे सोल्डिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों LED को इस मोटर के ऊपर लगे वासल में सोल्डिंग कर लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इन दोनों की जो दोनों लेग हैं, देख लो आप किस तरीके से अलग हैं, आपस में बिल्कुल भी टच नहीं कर रही हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट LED देंगे और LED को भी इसी तरीके से इन LED के आगे जो नेगेटिव वाली लेग है उस पर सोल्डिंग कर लेंगे। और इस LED की जो पॉजिटिव लेग है, इस वाली LED की, उस LED की पॉजिटिव लेग को इस वाली LED की, यानी कि जो इस वासल के ऊपर सोल्डिंग हो रही है लेग, उस पर सोल्डिंग कर लेंगे। तो हमने सभी LED को इस प्रकार से इस मोटर के ऊपर लगे वासल में और इस मोटर पर सोल्डिंग कर लिया है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही होंगी। और इसके बाद हम एक कॉपर का वायर लेंगे, उस कॉपर के वायर को हल्का सा मोड़ के इस वासल के नीचे की तरफ टच कर देंगे और उस वायर का अगला वाला हिस्सा होगा इस मोटर पे चिपका लेंगे। और जो वायर है बिल्कुल भी इस मोटर से टच नहीं करना चाहिए, इस मोटर की बॉडी से। तो उसको कुछ इस तरीके से चिपकाना है हमें। तो फटाफट से लगा लेते हैं उस कॉपर के वायर को। तो एक हम पे ये कॉपर की सीट थी, उसी कॉपर की सीट में से हमने इतना बड़ा टुकड़ा काट लिया है कॉपर का और इसे हल्का सा आगे की तरफ से मोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसे इस मोटर पे इस तरीके से कुछ चीज़ को चिपका के, यहाँ पे कोई कागज़ वगैरह चिपका के, और उसके ऊपर ये चिपका देंगे, जिससे ये कॉपर का टुकड़ा इस मोटर की बॉडी पर टच ना करे, केवल इस जो इस वासल के नीचे वाले हिस्से पे टच करे।
तो हमने ये पीवीसी का एक टुकड़ा ले लिया है। इसी टुकड़े को हम इस मोटर के इस साइड पर चिपका देंगे और इसके ऊपर हम इस कॉपर के टुकड़े को चिपकाएंगे, जिससे ये कॉपर का टुकड़ा इस बॉडी पर टच ना करे। तो इन एलईडी को जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे, उसके लिए हमने पॉजिटिव सप्लाई के लिए इस तरीके से एक कॉपर के वायर को इस बासल से टच कर दिया है और इसी पर ही हम एक वायर सोल्डिंग करके इस मोटर के इस वाले हिस्से पे, यानी कि इस वाली लेग पे सोल्डिंग कर लेंगे पॉजिटिव वायर को। और इन एलईडी को जो नेगेटिव सप्लाई देनी है, उसके लिए हमने इन एलईडी को इस मोटर के ऊपर वाले हिस्से में सोल्डिंग कर रखा है और इसी से ही इन एलईडी को जो नेगेटिव सप्लाई मिलेगी, यानी कि इस मोटर की बॉडी में जो है कहीं पर भी एक वायर सोल्डिंग कर लेंगे और उसको सोल्डिंग करने के बाद हम इस मोटर की जो नेगेटिव वाली लेग है, यानी कि इस मोटर की ये वाली लेग है, नेगेटिव लेग है, इस पे उस वायर को सोल्डिंग कर लेंगे तो उससे जो है इन एलईडी को ग्राउंड सप्लाई मिल जाएगी। तो इस तरीके से फटाफट से हम पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मोटर की जो ऊपर की बॉडी आपको दिखाई दे रही है, हल्की सी स्केच कर लेंगे जिससे यहाँ पर सोल्डिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस मोटर की बॉडी पे हल्का सा पेस्ट लगा लेते हैं, यहाँ पे हमने स्केच किया है और इसके बाद यहाँ पे हमें सोल्डिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होने की। और इसके बाद हम इस कॉपर के वायर पे भी हल्का सा पेस्ट लगा लेते हैं, जिससे इस पे भी सोल्डिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसी तरीके से हमने बॉडी पर यहाँ पे स्केच किया है, उस पे भी हमने हल्का सा पेस्ट लगा लिया, जिससे यहाँ पे भी सोल्डिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद हम इस वायर को नेगेटिव वायर के रूप में लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस एलईडी के नेगेटिव वायर को सोल्डिंग कर लिया है इस मोटर के इस वाले हिस्से पर। और इसके बाद हम इस कॉपर के वायर पे भी एक वायर सोल्डिंग करके और उस वायर के अगले हिस्से को इस वाली लेग पे सोल्डिंग कर लेंगे, मोटर की पॉजिटिव वाली लेग पे, और जिससे हमें इन एलईडी में पॉजिटिव सप्लाई मिल सकेगी। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों वायरों को सोल्डिंग कर लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव को। तो इस तरीके से हमने एक रिंग लाइट तैयार कर ली है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही आसान तरीके से तैयार करी है और इसके कनेक्शन भी बहुत आसान है, जैसा कि हमने बताया भी है आपको स्टेप बाय स्टेप। और इन एलईडी को इस तरीके से लगाना है कि इन एलईडी की जो पॉजिटिव और नेगेटिव लेग है आपस में टच ना करे बिल्कुल भी एक दूसरे से। इसे आप बड़ी आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं और ये एलईडी आपको दिखाई दे रही है मात्र 1.5 से 2 रुपये में आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। और ये जो एलईडी है, ये आरजीबी एलईडी कहते हैं इन्हें, जो कि 3 कलर में एक ही एलईडी ग्लो करती है। और इसके बाद जो टेस्टिंग कर लेते हैं इस रिंग लाइट को और कैसा लुक दिखाई देता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। इस रिंग लाइट को चेक करने के लिए हमने इस तरीके की एक 2 सेल से जुड़ी लिथियम बैटरी ले ली है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और एक जो लिथियम सेल होता है वो 3.5 वोल्ट इसमें से सप्लाई निकलती है, और जबकि हम पे इस तरीके के 2 लिथियम सेल जुड़े हुए हैं जो कि 7 वोल्ट के करीब डीसी सप्लाई देंगे और इसी 7 वोल्ट की डीसी सप्लाई से इस रिंग लाइट को चलाएंगे। तो फटाफट से इन दोनों वायरों को जोड़ लेते हैं, जो इस सेल के पॉजिटिव वायर है उस पॉजिटिव वायर को इस मोटर के पॉजिटिव वायर से लगा लेंगे और इस सेल के जो नेगेटिव वायर है उस नेगेटिव वायर को इस मोटर के नेगेटिव वायर से लगा लेंगे। तो फटाफट से टेस्टिंग कर लेते हैं वायरों को जोड़कर। तो हमने ये दोनों वायरों को जोड़ लिया है इस बैटरी के और इस मोटर में। अब इसके बाद हम इसके स्विच को ऑन करेंगे बैटरी के और इस रिंग लाइट को चला के दिखाएंगे किस तरीके से ये चलने वाली है और आपको दिखाई देने वाली है। तो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, इस रिंग लाइट में कलर दिखाई दे रहे हैं और कलर लाइट की वजह से कम दिखाई दे रहे हैं इस रिंग लाइट में। इसके लिए हम कमरे की लाइट को ऑफ करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसकी रोशनी दिखाई देती है। तो फटाफट से कमरे की लाइट ऑफ़ कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा हमने कमरे की लाइट को भी ऑफ कर दिया और इसके बाद हमने अपने मोबाइल की लाइट को भी ऑफ कर दिया, तो कुछ इस तरीके से आपको रोशनी देखने को मिल रही होगी। तो इस तरीके से आप एक बढ़िया रिंग लाइट बना सकते हैं और अपने घर में कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसका आप अपनी बाइक या फिर अपनी साइकिल में भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की रिंग लाइटों को लगाकर। और इसे बैटरी से चलाना बहुत ही आसान है और इसके लिए वोल्टेज सूटेबल होते हैं, वो 3 वोल्ट से लेके और 9 वोल्ट तक, 12 वोल्ट तक आप इसमें सप्लाई दे सकते हैं और इस तरीके की रिंग लाइट बना सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा हो कितनी मस्त दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, रिंग लाइट बनाने की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और जो भाई हमारे चैनल में इस बार नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।